नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। पेटीएम का शेयर इस समय स्टॉक मार्केट में सबसे चर्चित शेयरों में शामिल हो चुका है। यहां खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक से विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे से एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने अपना रुख बदला है और बहुत ही दिलचस्प बातें अपनी रिपोर्ट में शेयर की हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हर बार की तरह बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को RBI के एक्शन के बाद से लगातार पेटीएम की जो सहयोगी कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। इस कड़ी में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ है। इसको लेकर हमने सबसे पहले आपको खबर भी दिखाई थी। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले मई में तीसरी बार एक साल के लिए विजय शेखर शर्मा को एक्सटेंशन मिला था और उनका जो कार्यकाल है वो 23 मई 2024 को खत्म होने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पेटीएम पेमेंट बैंक में विजय शेखर शर्मा की जो हिस्सेदारी है वो करीब 51% है, बाकी 197 कम्युनिकेशन की है। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वारी ने स्टॉक पर रिपोर्ट जारी करी है। ब्रोकरेज फर्म ने जो मैक्वारी है उन्होंने पेटीएम पर जो रिपोर्ट जारी करी है, क्या नए टारगेट्स दिए, तमाम जानकारी देंगे और साथ में जो दिलचस्प बातें कही वो भी आप सुनिएगा। उनका कहना है कि स्टॉक को अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी, यानी कि पहले भी अंडर परफॉर्म थी और अब इस रेटिंग को वापस बरकरार रखा है। शेयर पर 275 रुपये का डाउन साइड टारगेट दिया गया है जो कि मौजूदा भाव से करीब 35% नीचे है। जी हाँ, जो अभी मौजूदा लेवल है 275 का, इसका जो लेवल इसको बोला गया कि 275 के लेवल पे जाएगा और जो जिस मौजूदा जो भाव है उससे करीब करीब ये 35% नीचे है, डाउनसाइड दिखता है पे। लेकिन यहाँ ब्रोकरेज ने कुछ दिलचस्प बातें और कही हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफे के जरिए RBI को बताना चाहते हैं कि कंपनी पर वो नियंत्रण कम करने की के लिए तैयार है। इस लाइन को आप दोबारा सुनिएगा जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। उनका कहना है यहाँ पर कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफे के जरिए RBI को विजय शेखर शर्मा ये बताना चाहते हैं कि कंपनी पर वो नियंत्रण कम करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर पेटीएम पेमेंट बैंक पर से रोक हटती है तो ये पेटीएम के लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है, ये उनकी रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या RBI अपने फैसले पर पुनः विचार करेगा, जिस तरीके से वो अब अपने नियंत्रण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा, उसके बाद जो RBI है अपने फैसले पर क्या पुनः विचार कर सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। लेकिन वित्त वर्ष 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक का मुनाफा 2.44 करोड़ रुपये था, यहाँ पे करीब यानी कि 2.44 करोड़ रुपए था। RBI की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम के बीच किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अनुमति बिल्कुल भी अभी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी साफ है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में किसी भी तरह की कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अभी किसी भी तरीके से छूट की बिल्कुल भी उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती है। अब बोर्ड में 4 नए मेंबर्स की भी एंट्री हो चुकी है, मैंने आपको खबर बताई थी। यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर कल बाज़ार बंद होने के बाद कुछ बड़े अपडेट्स भी आए थे हम लोग ने, और उस अपडेट को आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर इस्तीफे के बाद से 2 वरिष्ठ बैंकर हैं, एक तो 2 पूर्व हैं IAS हैं जो उसमें जगह लेंगे इस बोर्ड में। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीवासन श्रीधर हैं, पूर्व IAS अधिकारी देवनाथ सारंगी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ED अशोक कुमार गर्ग और पूर्व IAS अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल भी शामिल हैं। नए मेंबर के अलावा पेरेंट कंपनी 197 ने भी पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से अपने नॉमिनी को वापस लिया है। नए गठित बोर्ड के जरिए पेटीएम पेमेंट बैंक आगे काम करता रहेगा। बोर्ड में अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक नए चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। तो ये ओवरऑल खबर थी जो कि मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई थी जो ये संकेत दे रही है कि जिस तरीके से जो उनका कहना है कि अगर वो अब उन्होंने जो स्टेप पीछे लिया है विजय शेखर शर्मा ने, क्या इससे जो RBI है वो एक बार पुनः विचार करेगा इस फैसले के ऊपर, जिस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर उन्होंने कई तरह की कार्रवाई की है, ये देखना और जानना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बस हर बार की तरह क्या करना है, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।